हेलो, मेरा नाम है उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज़, स्पेशल डिमांड पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उनके लिए जिनको ये पढ़ना है आगे चल के, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो एप्टीट्यूड का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि जिनको एप्टीट्यूड अच्छा है, स्ट्रांग है, उनको तो आई थिंक ये वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। बट जो बच्चे वो हैं जिनको एप्टीट्यूड से थोड़ी प्रॉब्लम है और उनको बाकी जगह जहाँ पे भी सोर्सेस हैं वहाँ पे डायरेक्टली हाई लेवल में पढ़ा दिया जाता है, तो उतना उनको कंफर्टेबल नहीं होता। तो मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊँगा बच्चों लेवल से, कि एकदम 2+2=4 टाइप्स। उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे टॉपिक में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक्स बता देता हूँ आपको, सिंपल सा बेसिक है इसका। देखिए, इसमें दो या तीन टर्म आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलेंगे, एक कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहला कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कभी कभी सीपी लिखते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है गुड्स का जिस जो उसको बनाने में लग रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उस गुड का या उस प्रोडक्ट का वो है जो हमको बनाने में उसको लग रहा है। देखिए, कभी कभी ना कुछ केसेस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपको जज करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। पहला होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। आमतौर पर सेलिंग प्राइस वो होता है जिसमें हम कमोडिटी या गुड्स को बेचते हैं, SP से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक जो फार्मूला है जो कि लगभग सबको पता होगा, पर कुछ चीज़ें जो गलती आप एग्ज़ाम हॉल में कर देंगे और उसका ऑप्शन भी वहाँ रेडी होगा, ताकि आप लोग वहाँ टिक करके अपने आप को बहुत अच्छा समझें और नेगेटिव मार्किंग उठा लें, ठीक है। देखिए, वो बताऊंगा मैं आप कहाँ गलती कर सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तभी होगा आपको जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में, ऑब्वियसली तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस जो है आपका बेचने का वो कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको क्या होगा, लॉस। मीन्स कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा माइनस सेलिंग प्राइस, तभी तो आपको लॉस होगा ना। जितने में वो आपको पड़ा, 100 रुपये में अगर आपको वो चीज़ पड़ी, अगर आप 102 रुपये में उसको बेच पा रहे हैं तभी 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 रुपये का आपको पड़ा, आप 98 में बेच रहे हैं तो 2 रुपये का आपको लॉस हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है लॉस के केस में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऑलवेज प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, वो विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही निकाला जाता है। मैंने क्या कहा, अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट लिखेंगे आप, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही आपको निकालना है, इनटू 100 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप परसेंटेज में लॉस निकालेंगे तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखाएंगे, सेलिंग प्राइस बाद में लिखेगा, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही होगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस रेशियो के नीचे में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, सोते हुए भी अगर आपसे कोई उठा के पूछे कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकालते हैं, तो आप तब भी सोते टाइम भी कॉस्ट प्राइस ही बोलेंगे उसका आंसर। क्या पॉइंट है, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आर
कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए एग्जांपल से मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल से अगर समझाऊं सिंपल, ठीक है, ये एक्स नहीं है, ये एग्जांपल का एक, ठीक है, इसको भैया एक्स से लिखने से लोगों को कुछ याद आ जाएगा तो इजी ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज़ है, और अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट 10% होगा तो सेलिंग प्राइस निकालिए, ठीक है। तो देखिए 100 रुपये है, उसमें अगर 10% बढ़ रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये में, तो जो 110 हो जाएगा ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। मैंने क्या बोला कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे रिस्पेक्ट पे होता है, तो अगर 10% का प्रॉफिट बोल रहा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, तो 10% का प्रॉफिट मींस 1.1 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको यहाँ डाउट होगा वो यहाँ समझ जाएगा। फिर से कॉस्ट प्राइस 100 रुपी है, अब लॉस हो रहा है इस केस में 10% का, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एसोसिएट होता है कॉस्ट प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस के साथ नहीं होता। तो जो भी लॉस हो या प्रॉफिट हो परसेंटेज में दिया है, तो 10% का लॉस हो रहा है मींस 0.9 इंटू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, क्योंकि लॉस हो रहा है ना 10% का। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा था तो 1.1 हो गया था, यहाँ पे 0.9 हो जाएगा क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है, तो जो 90 होगा ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। जिसको यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है वो हम धीरे से जब एग्जांपल में लिखूंगा तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन 1। अब यहाँ से आपका बेसिक जो है वो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अ मैन, साथ में आप मेरे लिखेंगे क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन को पहले से लिख सकता था और फिर आपको सॉल्व कराता, पर आपका वो फील नहीं बनता, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लिख रहा हूँ और आप भी कॉपी में इसको लिखिए। अ मैन बायस आर्टिकल एट 490 रुपीज एंड सेल इट टू 465.5 रुपीज, फाइंड लॉस। इसके आपके इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं, 4%, बी 4.5%, सी 5% और डी 5.5%। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हम शुरू मैंने आपको पहले कहा था कि जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बहुत बेसिक से हम शुरू करेंगे, फिर थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन एडवांस में हम कंप्लीट करेंगे इस यूनिट को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेन क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, पहले आप थोड़े वार्म अप हो जाइए, फिर धीरे से हम अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई इसका इशू नहीं है। आपके पास 30-40 क्वेश्चंस हैं, सारे लेवल के आपको क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आपने बाय किया है किसी भी चीज़ को, ख़रीदा है कितने में, 490, तो मीन्स यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मैं आपको बेसिक से तो पूरे लिख के दे रहा हूँ, 490 रुपीज़ आपने ख़रीदा है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेल कर रहे हैं मतलब सेलिंग प्राइस 465.5 रुपीज़, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लॉस बोला है वो फाइन परसेंटेज लॉस, क्योंकि परसेंट में आंसर है, तो लॉस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ होती है वो यहाँ कॉस्ट प्राइस में होती है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है रेशियो हमेशा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 490 माइनस 465.5, नीचे कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 490 इंटू 100, ठीक है। तो
तो ये जो हो गया ये कितना हो गया, ये 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2450 अपॉन 490। ये यहाँ से गया, ये 7 टाइम्स जाता है तो 730 21 35, तो यहाँ से ये गया, ये 5% आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको खुद से भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बेसिक सा कैलकुलेशन है ये। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन टू आपका, अगला क्वेश्चन, हम धीरे धीरे एडवांस होंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको भी सॉल्व करिए, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मार देगा। कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस एनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर, टाइपराइटर फॉर 1200 रुपीज एंड स्पेंट 200 रुपीज फॉर इट्स रिपेयर। He sold it for 1680 rupees. His profit option A 20%, option B 10%, option C 8%, ऑप्शन डी 16%। ठीक है, एक लिटिल बिट आगे बढ़ा है, पुराने क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे दिया, इसमें कॉस्ट प्राइस में थोड़ा सा चीज़ है। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी यहाँ पे, देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी होगी, देखिए 1200 रुपये में उसने ख़रीदा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे दी है 1680 रुपीज़। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ उसने ऐड की है कि उसने स्पेंड किया रिपेयर में 200 रुपये और, तो ये भी जो 200 रुपये वो उसकी जेब से लगा उस प्रोडक्ट में, तो टोटल 1400 रुपीस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस आपका इफेक्टिव कॉस्ट, उसने ख़रीदा 1200 रुपये में नहीं है, सॉरी उसने ख़रीदा 1200 रुपये में है, बट कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये नहीं है। कॉस्ट प्राइस जो होती है वो टोटल उस गुड पे आपके कितने पॉकेट से पैसे लगे हैं, तो वो यहाँ पे 1400 लगे क्योंकि 200 रुपये उसके रिपेयर में भी लग गए हैं, तो इसलिए यहाँ कॉस्ट प्राइस 1400 हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर मैं निकालूँ तो फिर वो एक बात, प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिवाइड में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है इन 200, तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो 1680 माइनस 1400 है कॉस्ट प्राइस अपॉन 1400 इंटू 100। ठीक है, ये 280 अपॉन 14 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन और हो गया आपका बेसिक का। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा काम है आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस कराना, तो आई होप आपको ये धीरे धीरे चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। हाँ, जिनको आती है वो स्टार्टिंग में उनको थोड़ा बोर लगेगा, बट धीरे धीरे जब वो सीरीज आगे बढ़ते जाएगी तो आपको ये चीज़ में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थ्री में अब देखते हैं कि क्या अलग है। सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है, मैं उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस सिमिलर रखा हूँ जहाँ के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिपीट होते हैं, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस को एक एक ही ऐड किया है इसमें। डेविड गेन्स 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइज, इफ ही सेल्स एट डबल प्राइस, इंटरेस्टिंग, What is gain percentage? इसके ऑप्शंस हैं 120,
बी है 140, सी है 130, डी है 110। चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 15% सेलिंग में प्रॉफिट है जब आर्टिकल को वो किसी प्राइस पे बेचता है। तो लेट सपोज कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 यूनिट है या कोई भी 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई होगी उसकी 115। ऑब्वियसली क्योंकि 15% का प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया था 15% प्रॉफिट कि डायरेक्ट हम प्रॉफिट से निकाल सकते हैं 1.15 हो जाएगा वो टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था जब कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, तो ये देखिए ये आपको प्रमाण मिल गया है, यहाँ पे बेसिक्स का यूज़ हो रहा है, बेसिक का यूज़ हो रहा है तो आपका टाइम बच रहा है। आपको डायरेक्ट पता है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 1+ पॉइंट में कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शन में यूज़ होता है, परसेंटेज अपॉन 100 हो जाता है ना। परसेंटेज मीन्स परसेंटेज का मतलब जब परसेंटेज हटता है तो अपॉन 100 हो जाती है कोई भी चीज़। परसेंटेज को तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, ट्वाइस सेलिंग प्राइस जो ओल्ड में है, ठीक है। तो मीन्स सेलिंग प्राइस जो न्यू होगी वो क्या होगी, 2 × 115 दैट इज 230 यूनिट्स, ठीक है। तो अब परसेंटेज गेन या प्रॉफिट फिर से हम निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना है 230। क्या कॉस्ट प्राइस का चेंज का कुछ क्वेश्चन में बोला है क्या, कॉस्ट प्राइस कहीं नहीं बोला चेंज होना, तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो यहाँ से 130% निकल गया, तो आपका जो आंसर है वो 130 ये रहा। सिमिलरली यहाँ पे 20% था तो 20% ये रहा आपका ऑप्शन में और 5% ये ऑप्शन सी। तो तीन क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के देखे हैं जिसमें कुछ चेंजेस थे। अब क्वेश्चन 4 हम देख लेते हैं, ये बेसिक्स चल रहा है अभी आपका। क्वेश्चन 4 ओके, क्वेश्चन 4 में क्या है, स्नेहा बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 72 rupees लॉस ऑफ 10% इन ऑर्डर टू गेन 5% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है 87 rupees, बी 85 rupees, सी 80 rupees या डी 84 rupees। देखिए इस क्वेश्चन में चेंज है कि स्नेहा नाम की कोई व्यक्ति है, उन्होंने कोई आर्टिकल को बेचा है 72 rupees में, लॉस कितना हुआ उनको 10% का, अगर उनको 5% में बेचना है तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखिए कभी भी हमको ये जज करना है अगर, तो पहले हमको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो देखिए अगर 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस था सॉल्यूशन में, एक मिनट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए ओके 72 rupees लॉस ऑफ 10% है, तो देखिए सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बेचा है, ये पता है स्नेहा जी ने ये बेचा है, बट हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस है आपको सेलिंग प्राइस ये 72 rupees, लॉस कितना है 10%। तो अगर 10% का लॉस हो रहा होगा तो ये जो वैल्यू होगी वो 0.9 × कॉस्ट प्राइस होगी। ऑब्वियसली आप यहाँ से देखिए ज़रा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी तो हमने यही किया था, ये जो वैल्यू है यही तो है इक्वल 0.9 × 100। अब ये 100 हमको पता नहीं है यहाँ पे, तो हम वो निकाल लेते हैं। चलिए तो जो 72 rupees जो है
वो क्या हुई 0.9, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 72। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितनी निकल गई, 72 अपॉन 0.9 इज इक्वल टू 720। पॉइंट हटाया मैंने 9 को से, मतलब 0.9 को 9 किया है, तो ये 80 रुपीज़ हो गई। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली आपको यहाँ से सीधा समझ आ जाएगा, 0.9 80 इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये डायरेक्ट स्टेज आपको पता होगा, प्रैक्टिस से आपको ये सीधा पता होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमको सॉल्व करना है। अब सिंपली है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 80, और इस केस में प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर 5% प्रॉफिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.05 कॉस्ट प्राइस। तो 1.05 इंटू 80, तो इसको अब जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 84 रुपीज़। ठीक है, ये आपको जो है ये टाइम, ये जो है ये डायरेक्टली आपको टाइम बचा देता है। देखिए डायरेक्टली आपने दो जगह कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, जो मैंने बेसिक्स में दोनों बताए थे ना, एक लॉस का एक प्रॉफिट का, तो ये दोनों को आपने यहाँ यूज़ कर लिया है। 84 रुपीज़ आंसर है, तो 84 ऑप्शन डी। ठीक है, बेसिक्स हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ। देखिए रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस अगर आपको दिया है, रेशियो डेट इज 4/5, और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करेंगे। अरे सिंपल सा लॉजिक है, चलो देखो तुरंत यहाँ पे। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बिल्कुल सही है। सो ये जो होगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इनटू 100, ये रेशियो उल्टा है सेलिंग प्राइस अपन, तो इसको उल्टा करेंगे। 4/5 है तो 5/4 माइनस 1 इनटू 100, सो 5 माइनस 4 अपॉन 4 इनटू 100, तो 1 अपॉन 4 इनटू 100 मीन्स 25%। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, क्लियर हो गया। इतना कुछ था नहीं, बस हमको ये रेशियो का यूज़ कैसे करना था। इसको आप एक और अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। यहाँ पे सीधा आप बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है 5 यूनिट। अगर रेशियो है दोनों का सेम रेशियो अगर है कि यूनिट अपॉन यूनिट, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रुपी में है डॉलर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि परसेंटेज में आप निकाल रहे हैं। अगर दोनों सेम यूनिट पे हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस्ट प्राइस यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ से सेलिंग प्राइस 5 माइनस 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस 4 इनटू 100, 25% यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जो अप्रोच लगे मैंने दोनों बता दिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होना आपका मेन एप्टीट्यूड का लॉजिक होता है कि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें एक्यूरेसी के साथ, कुछ भी आंसर नहीं लाना है। क्वेश्चन 6 आई थिंक, ओके ये भी एक नया तरह का क्वेश्चन है। दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, यहाँ पे रेशियो का ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट। ऑप्शंस भी लिख लीजिए, चलिए अब आप 22% लॉस, एल मीन्स लॉस, 20% लॉस, सी 16%, पी मीन्स प्रॉफिट, डी 18% प्रॉफिट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सिंपली जो क्वेश्चन में बोला है क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, प्राइस है 40, आर्टिकल कितना था 40, इनटू कॉस्ट प्राइस, उस गुड की कोई कॉस्ट प्राइस होगी, वो बराबर किसकी है उसकी वैल्यू। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 2 रुपये है,
तो 40 आर्टिकल है, तो 40 × 2 कर रहे हैं एक प्रकार से हम, तो 40 × कॉस्ट प्राइस वो बराबर किसके हैं, 50 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये बिल्कुल सही है, शून्य से शून्य कटा। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो देख लेते क्या है। तो ये सेलिंग प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस गया और 5 आ गया 4 के नीचे, तो 4/5। देखिए जो मैं ये एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, मैं बड़े बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि देखिए इंजीनियरिंग के बच्चों को तो फिर भी रिलेटिवली मैथ्स आसान होता है। ये मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके मैथमेटिक्स रिलेटिवली उतनी स्ट्रांग नहीं होती एज एन इंजीनियर, क्योंकि उनका स्कोप ऑफ अप्रोच का एरिया डिफरेंस है। तो ये मैनेजमेंट वाले बच्चे और जो वैसे बच्चे जिनका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं रहता, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं इसमें बड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, 1+1 टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका जो बेस स्ट्रांग रहे और हर तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें यहीं क्लास में। तो जब आप एग्ज़ाम में जाएँ या टेस्ट में जाएँ तो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन वहाँ मोस्टली मिले, आपको ज़्यादा डेविएट होने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए अब हमको ये रेशियो मिल गया यहाँ से, सिमिलरली यहाँ पे एक रेशियो हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर सेलिंग प्राइस कितना है, 4 यूनिट, तो रेशियो का मतलब ये होता है ना, डायरेक्टली हम यूनिट बोलते हैं उसको। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 5 यूनिट। क्लियर हुआ, 4 यूनिट और 5 यूनिट हमने डायरेक्टली ले ली, ऑब्वियस सी बात है सेम रेशियो है क्योंकि। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो लॉस अकर हो रहा होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है बेचने के रेट से तो ऑब्वियसली लॉस आ रहा होगा, तो परसेंटेज लॉस निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और रेशियो में हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, रेशियो में हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, रेशियो में हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 − 4/5 × 100, तो यहाँ पे कितना हुआ, 20% लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस के कंपेयर में। तो 20% लॉस मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इस तरह का, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और फिर अगले क्वेश्चन आगे और जो क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे। मैं थोड़े शॉर्ट वीडियो बनाने चाह रहा हूँ 30 मिनट्स के, ताकि आप एक जल्दी जल्दी आपके 30 मिनट्स में आप एप्टीट्यूड काफ़ी सारा चीज़ सीख जाएँ और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑरेंजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंजेस, फाइंड परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, फिर आप जो मैं अभी सॉल्व करूंगा उसके बाद उससे आप आंसर मैच करेंगे कि आपके आंसर सही थे कि नहीं थे। जिनके आंसर आ जाएंगे मैच कर जाएंगे वो ज़्यादा ईगो में ना आ जाए कि अरे मेरे को तो सब आता है, और जिसके ना आए वो ज़्यादा सैड ना हो जाए। ठीक है, दोनों केस हानिकारक है आपके लिए। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसको, ये प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बाद देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, और फिर मैच करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो इसमें तेरा घटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए देखते हैं, देखिए बोल रहा था 21 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 18 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रेशियो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 21/18। ये भाई साहब इधर जाएंगे, ये बहन जी इधर जाएंगी, तो 7/6। चलो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट
ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। चलो सेलिंग प्राइस कितना आया राम जी, सेलिंग प्राइस आया हमारा 7 यूनिट है ना, कॉस्ट प्राइस 6, रेशियो में कॉस्ट प्राइस रखना है 6 इनटू 100, तो 100 अपॉन 6 मींस 50 अपॉन 3, तो 50 अपॉन 3 कैसे हम लिखते हैं 3, ठीक है, तो 50 को डिवाइड करो, चलो इस तरह से ऐसा वाला लॉजिक से 1 3 2 0 20 है ना ये कैरी, हाँ आया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये जो कन्वर्ट करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, 5 1 3 तो 3 2 यहाँ पे आया, 0 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये 6 में 18, ये 2 क्या हुआ रिमाइंडर, ये मैं कुछ कुछ लोगों के लिए सब बता रहा हूँ ताकि उनको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं, ये जो बचा वो प्रोडक्ट है उसको हम 16 यहाँ लिख देते हैं, तो ये है आपका फाइनल आंसर, तो ये आंसर किससे मैच किया, ऑप्शन ए से। तो इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और ऐसे ही मैं हाफ एन आवर में ट्राई करूँगा कि बहुत सारा क्वेश्चंस आपके करवाते चलूँ, आज भी हमने बेसिक्स पढ़ लिए और आई थिंक 7 क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, थाला फॉर अ रीज़न, तो अब आगे जो क्वेश्चंस हम करते जाएंगे वो थोड़े लेवल उसके ऊपर हो जाएंगे, लेवल सबके निकलेंगे जो खड़े रहेगा आखिरी तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और ऐसे चिल करके पढ़ेंगे, ताकि एप्टीट्यूड वैसे भी चिल सब्जेक्ट है, ज़्यादा सीरियस सब्जेक्ट नहीं है, बस फील करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बस इतना ही एप्टीट्यूड का मेन काम भी है आपके लाइफ में, ठीक है, तो ऐसे ही चिल वे में पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा, कब निकलेगा वो बात की बात है, पर निकल ही जाएगा, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर।